हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 18 क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट विज्ञान है, डेट है इसकी बेटा 2 दिसंबर। तो यहाँ आज हमारा टॉपिक है प्राणियों में पोषण। आज हम पढ़ेंगे पाचन के बारे में। निम्नलिखित चित्र को ध्यान से देखें और समझें। देखिए बेटे, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको देखना है। तो देखिए, हर चित्र में हर कोई जानवर कुछ ना कुछ खा रहा है। जैसे यहाँ पे बकरी पत्तियाँ खा रही हैं, शेर मांस खा रहा है, वक यानी कि बगुला मछली खा रहा है। तो प्राणी या जंतु भोजन क्यों करते हैं और करते हैं तो भोजन अपना किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो इसका उत्तर देखेंगे। अभी पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए, प्राणी यानी कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। हर प्राणी को, चाहे वो जानवर हो, आदमी हो, कोई भी हो, हर एक प्राणी को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग करने की विधि सम्मिलित है। ठीक है, अब पोषण में 3 पार्ट्स आते हैं, पोषक तत्वों की आवश्यकता। देखो, पोषक तत्वों की आवश्यकता, जैसे कि अगर बच्चा है तो बच्चों को अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है, कोई जवान आदमी है उसके अलग पोषक तत्वों की जरूरत होगी, और अगर कोई बुजुर्ग आदमी है तो उसके अलग पोषक तत्वों की जरूरत होगी। जैसे बच्चा है तो बच्चे को ज़्यादा क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है और कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उसकी हड्डियों का विकास हो रहा होता है, उसके टिश्यूज़ का विकास हो रहा होता है, ब्रेन का विकास हो रहा होता है, तो प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक की नीड जो है, हर एक की जरूरत है वो अलग अलग होती है। ठीक है, फिर आहार के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि क्या है और उसको उपयोग करने की विधि। ठीक है, तो ये 3 तत्व शामिल हैं। आगे है, प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। हर कोई प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, कुछ तो सीधे ही पौधों को खा लेते हैं जैसे शाकाहारी, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं, जैसे कि जो पौधे खाते हैं जैसे कि मांसाहारी। अब देखो, जो कुछ तो होते हैं, जैसे कि बकरी थी, यहाँ पर बकरी पौधों को खा रही थी, पौधे तो बकरी क्या है, शाकाहारी हुई। जबकि कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो उन जंतुओं को खाते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी। ठीक है, अब आप कहोगे मैम अगर मांसाहारी तो दूसरे जानवर पर भी डिपेंड करता है, वो पौधों पे कैसे डिपेंड करेगा? तो उसका उत्तर बेटा ये है, देखो मान लीजिए ये घास है, घास को बकरी खा रही है, ठीक है, घास को बकरी खा रही है और बकरी को खाता है शेर, ठीक है, बकरी को शेर खाता है, तो बकरी तो हो गई हमारी कौन सी हो गई, शाकाहारी। ठीक है, बकरी हो गई शाकाहारी और शेर हो गया मांसाहारी। अब शेर बकरी पे या दूसरे जानवरों पे क्यों डिपेंड है? ठीक है, आप कहोगे शेर तो दूसरे जानवरों पे डिपेंड है, पौधों पे डिपेंड कोई है, पौधों से थोड़ी ना मिल रहा है। लेकिन बेटा अगर बकरी को घास ही नहीं मिलेगी, ये पौधे नहीं मिलेंगे खाने को, तो क्या होगा? बकरी को पौधे नहीं मिलेंगे, धीरे 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 अगर कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो ऐसी एक सिचुएशन आएगी जब बकरियां खत्म हो जाएंगी या दूसरे जानवर नहीं होंगे छोटे छोटे जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। ठीक है, तो जब वो ही नहीं होंगे तो शेर क्या खाएगा, है ना? तो चाहे डायरेक्टली पर प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली पौधों से ही हर प्राणी को अपना भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि कुछ होते हैं शाकाहारी जो पेड़ पौधों को खाते हैं, कुछ होते हैं मांसाहारी जो उन जानवरों को खाते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं। अब कुछ होते हैं सर्वाहारी जो दोनों को खाते हैं, मतलब जो पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बिल्ली की, बिल्ली मांस भी खाती है और पौधे इन द सेंस की रोटी खाती है, ठीक है, दूध पीती है, तो दोनों चीज खाती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न थे हमारे पास, प्राणी जंतु भोजन क्यों करते हैं? तो बेटा इसका उत्तर हम ये कर लेंगे जो हमने सीखा था कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। फिर है, जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, तो इसका ये सेकेंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है पोषक तत्व। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे भोजन के संगठक पोषक तत्व ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो बेटा हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और ऊर्जा के लिए कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, वसा हो गए, प्रोटीन हो गए, ठीक है, ये सब हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, ये भोजन के संगठक होते हैं।
या जिन्हें पोषक तत्व भी कहा जाता है, ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। परंतु भोजन के ये संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं, ये बहुत जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप से नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें सरल पदार्थों में विघटन मतलब विखंडन मतलब टूटना, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना आवश्यक होता है। मतलब अगर हम कुछ खाते भी हैं तो ये हमारी जो बॉडी है डायरेक्टली इसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, सीधे रूप से इसका उपयोग नहीं कर पाती है, इसको छोटे छोटे पदार्थों में छोटे छोटे पार्टिकल्स में और तोड़ती है, इसके छोटे छोटे उसमें वो कन्वर्ट करती है, तब इसे हम यूटिलाइज कर पाते हैं, उसका उपयोग हम कर पाते हैं। ठीक है, आगे है पाचन। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, तो जब जटिल पदार्थों को छोटे सरल पदार्थों में वो जो टूट जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है, आगे अब प्रश्न देख लेते हैं। तीन जीवों का नाम लिखो जो पौधे खाते हों। जो पौधे खाते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक तो हो गई बकरी, ये तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, और बताइए गाय, और बताइए भैंस। ठीक है, तो ये सब चीजें आप कोई भी तीन जानवर लिख दीजिए जो कि पौधे खाते हैं। फिर है डैश तथा डैश, वसा का उपयोग, ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश के लिए होता है। तो इसका आंसर लिख देंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग, ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए। तो पहले में ये भर दीजिएगा और सेकेंड में आ जाएगा ये। ठीक है, फिर है पाचन से, क्वेश्चन नंबर 3, पाचन से आप क्या समझते हैं। तो बेटा पाचन का ये पूरा आंसर यहाँ लिखा हुआ है, तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है। तो बेटा जंतुओं को पाचन की क्यों आवश्यकता होती है, इसका उत्तर लिखेंगे हम, भोजन के संघटक, ये नहीं लगाएंगे, ये हटा देंगे, भोजन के संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट के साथ में वसा और प्रोटीन। ठीक है, वसा और प्रोटीन जटिल पदार्थ हैं, अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें सरल पदार्थों में विघटन आवश्यक होता है, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे इसलिए जंतुओं को पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, दोबारा देखते हैं, भोजन के संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट के साथ में ये वसा और प्रोटीन लिख दीजिएगा, वसा और प्रोटीन जटिल पदार्थ हैं, अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए इन सरल पदार्थों का विखंडन होना आवश्यक होता है, इसलिए जंतुओं को पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ का आंसर। तो बेटा यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।